And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. देखने में बहुत ही लजीज लग रहा है। क्या क्या यूज किए हैं भैया? तो दोस्तों हम अभी मौजूद हैं कंकरबाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास और अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो मुझे एक लिट्टी चोखा का स्टॉल दिखा जो मुझे काफ़ी आकर्षित किया। ये देखिए लिट्टी चोखा का स्टॉल है और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी तो मुझे ये हुआ कि क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है, थोड़ा सा जाके देखा जाए कि इनके लिट्टी चोखा का टेस्ट क्या है। तो हम आ गए हैं आपको लेकर इनके स्टॉल पर। यहाँ देखिए लिट्टी चोखा गर्मा गर्म तैयार किया जा रहा है और ये लिट्टी का मसाला है। क्या क्या है भाई मसाला में, क्या क्या यूज करते हैं? धनिया मिर्च, सत्तू, धनिया मिर्ची, लहसुन आदि सब। हाँ तो ये मसाला बनाए हुए हैं और यहाँ देखिए ये लिट्टी यहाँ पे सेका जा रहा है। और ये क्या चीज़ घी रखे हुए हैं, क्या रिफाइन है? अमूल का देसी घी है। चलिए बढ़िया है, देसी घी में बहुत कम जगह मिलता है, ज़्यादातर तो रिफाइन वगैरह चाहे डालडा इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बढ़िया है। और इसके साथ लिट्टी चोखा के साथ प्याज अचार वगैरह भी रखते हैं। ये चोखा है, ये देखिए ये चोखा है, देखने में बहुत ही लजीज लग रहा है। क्या क्या यूज किए हैं भैया? आलू, बैंगन, टमाटर और धनिया पत्ता वगैरह। मसाला भी इस्तेमाल किया है क्या कुछ? मिर्च है, आदि है, मिर्ची है, आदि मिर्ची वगैरह। हाँ? हाँ। और इसके साथ यहाँ गुलाब जामुन भी सर्व किया जाता है तो बहुत कम ही स्टॉल पे आपको देखने को मिलेगा कि लिट्टी चोखा के साथ गुलाब जामुन, लेकिन यहाँ बढ़िया है, इनका USP भी यही है। 10 रुपये पीस है ना गुलाब जामुन भैया? 15 रुपये पीस है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इनके लिट्टी चोखा का। और गुलाब जामुन पहले हम खाए हैं, बढ़िया है टेस्ट। तो लिट्टी चोखा का टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि यहाँ जो भीड़ लगी रहती है वो वाकई टेस्ट की वजह से लगी रहती है या कुछ और कारण। तो भैया लगाइए, हाँ एक प्लेट लगाइए। कैसे ये प्लेट रखे हुए हैं? 30 रुपये प्लेट है, उसमें सब कुछ दीजिएगा ना, प्याज अचार मिर्ची सब कुछ। चलिए मिर्ची नहीं दीजिएगा हमको, बाद बाकी दे दीजिए सबको। और ये कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? 4 से 5 महीना यहाँ हो गया। और उससे पहले से भी लगा रहा है ना कहीं पे? बाहर में लगाते थे इसी। क्या डाल रहे हैं? काला नमक नहीं, चाट मसाला। चलिए तो ये देखिए लिट्टी चोखा का प्लेट मेरे हाथ में है, अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि स्वाद कैसा है यहाँ का। गरम गरम शुद्ध देसी में डोया हुआ लिट्टी, काफ़ी गरम है यार। घी का टेस्ट नहीं आ रहा, सही है। जो लिट्टी का मसाला है वो बहुत ही स्वादिष्ट है और लिट्टी का अच्छा टेस्ट है, हालांकि घी में डुबोए हैं तो घी का वो फ्लेवर नहीं आ रहा, खैर। लेकिन जो लिट्टी में मसाला डाला हुआ है ये सत्तू वाला, धनिया पत्ता, सत्तू और जो मसाला यूज किया वो अच्छा टेस्ट दे रहा है, फ्लेवर दे रहा है। चोखा भी सही है, नॉर्मल है, उतना मैं बाहर जाकर नहीं बोलूँगा लेकिन नॉर्मल है चोखा। तो हम लिट्टी चोखा और ये गुलाब जामुन ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कहीं और दूसरे लोकेशन पर।